तो नमस्कार मित्रों, पहले हमने जैन व्यास यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में बात की थी, अब बात करते हैं अदर एग्जाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आज वो संबंधित विद्यालय को जो सुपुर्द किए हैं वो आपको ऑनलाइन भेज देंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं और जो 18 तारीख से एग्जाम है और 18 को ही होने वाला है, इसलिए उसके लिए कंट्रोल रूम 13 तारीख से 30 जून तक आपके कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जिसके नंबर दिए गए हैं 01456262868 और फिर आगे यही रहेंगे दो ये नंबर जो आपके कंट्रोल रूम के नंबर है, जिसमें आप 24 घंटे कोई भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो कंट्रोल रूम 13 से 30 तारीख तक, पहले आपके 5780 केंद्र थे, अब केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है और 6201 कर दी गई है, और अर्थात 521 जो सेंटर बढ़ा दिए गए हैं उसमें से 12 के 35 केवल सेंटर बढ़ाए गए हैं। तो ये थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जानकारी। इसी के साथ साथ प्रत्येक जो सेंटर है उसमें 200 से 300 स्टूडेंट है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है बच्चों के स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहा है, उन्होंने प्रत्येक सेंटर में केवल 200 रुपये सैनिटाइज के लिए दिए गए हैं, अर्थात एक स्टूडेंट के लिए 1 रुपया केवल दिया गया है, इसलिए सैनिटाइज की केवल एक ही बोतल आएगी 200 में। इसलिए जो ग्राम पंचायत के सरपंच है उनसे जो संबंधित सेंटर है उसको सहयोग लेना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ और बजट आ जाए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी स्टूडेंट तैयार रहे हैं, आपका प्रवेश पत्र आ गया है और एग्जाम होंगे, और अब किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें। जो कई यूट्यूब वाले होते हैं वो आपको ऐसे ही जो अफवाह के लिए ऊपर लिखते नहीं है कि विश्वविद्यालय के सारे एग्जाम रद्द हो गए, वो ऐसे नहीं लिखते हैं कि राजस्थान में रद्द हो गए स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, या सारे स्टूडेंट पूरे देश के हमारे वीडियो देखे, इसलिए वो ऐसे ही लिखते हैं कि विश्वविद्यालय के एग्जाम रद्द। ऐसे नहीं लिखते हैं कि राजस्थान में रद्द हुए या उत्तराखंड में रद्द हुए या हिमाचल प्रदेश में। वैसे वैसे बोर्ड के एग्जाम के भी लिखते हैं कि अब 10वीं के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट, किस राज्य में किया जाएगा, वो ऐसा नहीं लिखते हैं ताकि संपूर्ण स्टूडेंट देखे। इसलिए आप ऐसे वीडियो मत देखें राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रवेश पत्र आ गए, इसलिए आप तैयारी अभी से पूरी जोरों से शुरू कर दें। तो कल ही मैंने बोला था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर आउट हो गए या नए पेपर किस लिए बनाए, तो आज जो सरकार का जो आदेश आया था उसमें बताया गया था कि जो पुराने पेपर थे वो तकनीकी खराबी के कारण थोड़े कटे फटे रह गए, उनकी संख्या कम रह गई, इसलिए नए बनाए गए हैं। तो पहले स्टूडेंट के एग्जाम कैसे लेते कि यदि उनके पेपर में प्रॉब्लम होती, तो कारण क्या है इसका हम कुछ नहीं बता सकते, पेपर नए बन गए हैं ये भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ अब बात करता हूँ रीट की, कि रीट में जो राजस्थान सरकार ने बोला है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो रीट करवाएगा, तो गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा राज्य मंत्री है उन्होंने बोला है कि रीट से पहले एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो उच्च अधिकारी है उन अधिकारियों की एक बैठक लेंगे, उसके बाद में निर्णय आएगा। तो जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकारियों की एक बैठक होगी, उसके बाद में रीट की आगे की रणनीति तय करवाई जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में। स्कूली शिक्षा के जो एग्जाम है बोर्ड के तो अभी हो जाएंगे, उसके बाद में जो स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम है अगले सत्र में टाइम कम होने के कारण कम किया जा रहा है, 30% कमी की जा रही है। उसके साथ साथ जो जेईई व नीट के एग्जाम होते हैं उसमें भी 30% पाठ्यक्रम की कमी की जा सकती है। कौन से टॉपिक की होगी वो अब आगे आपको बताया जाएगा, और जो विद्यालय है वो 15 अगस्त से शुरू हो सकते हैं, अभी ये ऐसा बताया गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, कारण या तो गांव में नेटवर्क कम है, इसके साथ आंखों संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही है, इस कारण पाठ्यक्रम है उसमें 30% कमी की जा रही है। इसकी संपूर्ण रूप से गाइडलाइन है वो जून के लास्ट तक आ जाएगी। बात करते हैं कि आरएएस के बारे में आज क्या न्यूज थी, तो आरएएस के बारे में एक नोटिफिकेशन निकाला था, अर्थात 2013 में आरएएस का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में 2016 में हुआ था, 2018 में हुआ था, तो वो सभी भर्तियां विवाद एक पैदा हो गया। इस कारण जो आज नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बताया गया है कि जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट है जो आरक्षित रिक्तियां होगी उससे 15 गुना स्टूडेंट जो आरएएस का प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम से जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आरक्षित सीटों की जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट है उनके 15 गुना स्टूडेंट आरक्षित वर्ग के शामिल किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट आरक्षित वर्ग के है और उनकी कट ऑफ है वो या तो सामान्य वर्ग के बराबर है
या सामान्य वर्ग से अधिक है उनको भी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस कारण हजारों स्टूडेंट को इसका सीधा सीधा फायदा हो गया। तो आरक्षित वर्ग के जो स्टूडेंट है उनकी रिक्तियों के 15 गुना मुख्य परीक्षा में प्री से शामिल किया जाएगा। तो ये आरएस से संबंधित, रीट से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो मुख्य मुख्य न्यूज थी वो बता दी। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।